थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए। और मेरा और एक सपना पूरा हो गया यार कि मैं ठीक है मेरी फैमिली को बस चढ़ा चुका हूँ, अभी मैं चलता हूँ मेरे सफ़र पे, क्योंकि हमारा काम आधा अधूरा रह गया तो फिर सब पीछे छूट जाएगा यार, क्योंकि आप सब मुझे जानते हो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बदौलत, और इस चीज़ को मैं प्रॉपरली करना चाहता हूँ, टाइम पे करना चाहता हूँ। मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पानी के अंदर जाके शॉट लूँ, बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है शॉट। मेरी मम्मी है ये, मेरी मम्मी को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बस में जाएगी क्योंकि मुझे अभी सूरजपुर जाना है। मम्मी यहाँ से अंबिकापुर, अंबिकापुर से घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी दूरी, घर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से कुछ थोड़ा वो ज़्यादा होगा। मैं अभी बाइक से ट्रैवल करूँगा तो मेरा तो छोड़ो, मम्मी लोग को थोड़ा दिक्कत होने वाला है, पर जो भी है यार घर पहुँच रहे हैं। और यहाँ अभी जितना शादी देर है बहुत अच्छा लगा, सब बहुत इन्जॉय किए। जैसे भाई जी प्यार देना हमें, थैंक यू सो मच। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं अभी सूरजपुर के लिए निकल रहा हूँ, और सबके मेरे चाचा मेरे भाई सबको व्यवस्था करने में लगे हैं, बस मैं रैंडम काम करते रहता हूँ क्योंकि सबको परेशान करना मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रहा हूँ सूरजपुर, मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हमारे क्षेत्र के बड़े यूट्यूबर सोनू राइडर से मिलने, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज, तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। कल तबीयत खराब हो गई थी, वीडियो लेट में अपलोड किया, बहुत बुरा लगा, अभी बुरा लग रहा है ना। और दादू मेरे छोटे दादाजी हैं, और मेरे दादाजी तो नहीं रहे, उनके छोटे भाई है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ से मिलता हूँ। और ये हमारे खानदान में दो सीनियर बच्चे हुए हैं अभी, ये मेरी दादी जी है, मेरे दादाजी की मतलब यहाँ की बहन, और मेरे दादाजी, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है यार, पूरा खानदान यहाँ पर है, घर की नई बहू धुआंधार काम कराया जा रहे हैं इनसे, मेरे अलावा सबको यहाँ काम में बिजी हैं। और मेरी बुआ, मेरी बहन और हर कोई यार घर को एकदम चमकाने में लगा हुआ है, क्योंकि मैं मतलब जितने लोग आए यहाँ सब गंदा करके गए हैं, साथ में मेरे मतलब मैं भी। और अभी मेरी कवि स्नान हो चुकी है जिसमें सिर्फ मुंडी धोया जाता है, अरे का करी हुई हाले बच के भाई, मेरी फैमिली खतरनाक है थोड़ी। अरे गैस अभी मैं हूँ ककना, जो कि क्या बोलते हैं राजपुर से थोड़ा सा पीछे है, और जहाँ मैं शादी गया था सखोली मेरे चाचू का, वहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस से पड़ता है। मेरा जो जसपुर से है विवेक एक का, और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, रिसेंटली हम लोग कल यहाँ मिल गए थे, इससे पहले मैं फादर अभिषेक वाला वीडियो से उनको मेंशन कर चुका हूँ। मेरी दीदी है यहाँ का, क्या बोलते हैं हेल्थ केयर मतलब यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र, इसकी इंचार्ज है हमारी दीदी, तो दीदी मिल लिए मैगी बना के खिलाई। मैं बस दतुन करके घर से निकला था और बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो बाय बाय और थैंक यू। जैसे और आइएगा जरूर। फाइनली अंबिकापुर पहुंच चुका हूं, तो फाइनली मेरी भोली बिसरी भटकी फैमिली मिल चुकी है, इन लोग पिकअप में दूध बेचते बेचते आ रहे थे, अचानक रास्ते में चल रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे देखो मेरी फैमिली यार, जल्दी वायरल करो यार ताकि हम भी एक आठ ले सके सेकंड हैंड वाली। अभी सामने बस स्टॉप है, वहाँ इनको सबको बस चढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और तो अभी मैं हूँ अंबिकापुर के बस स्टॉप पे, मेरी फैमिली को मैं बस चढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा सूरजपुर के लिए, मेरी फैमिली उधर है, और पूरा बस स्टॉप है यार यहाँ का, पूरा बस अड्डा। आप तो उधर जाएंगे ना अंकल, आप थोड़ी ना जा रहे हैं, आप जाएंगे ना, ठीक है मेरी फैमिली है थोड़ा देख लीजिएगा। चलते हैं फिर। अभी मैं हूँ
जरी चौक पे और मुझे मात्र 25 मिनट लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में, क्योंकि बाइक दौड़ाना आपका सिनेमा एक राइडर ही है। भले हमारे पास स्पोर्ट बाइक नहीं है तो क्या हुआ यार, हमारा सुपर बाइक उधर खड़ा है। और यहाँ से मुझे जाना है इस साइड जो कि बड़गांव रास्ता है, और यहाँ से करीबन 4 या 5 किलोमीटर के बाद में पहुँच जाऊँगा जिनसे मैं ऑलरेडी मिलने जा रहा हूँ। और अच्छा लग रहा है यार यहाँ पहुँच के। पहले तो मेरे भैया को सॉरी इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए, मैं वेट कराया हूँ भाई। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए। और मेरा और एक सपना पूरा हो गया यार, कि मैं हमेशा मतलब बहुत पहले से आना चाहता था और नहीं आने पाता था, क्या करूँ। और मतलब जब किसी से मिलो तो उनके पास कुछ लेके जाओ, अदरवाइज सिर्फ मुंह उठा के मत जाओ, ऐसा मेरा मानना है। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, सब सही है। अच्छा लग रहा है भैया से मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाय भैया, हाय दोस्त, हाय भैया। इनकी सुपर कार है, मेरी सुपर बाइक इधर खड़ी है, और बहुत अच्छा लग रहा है सोनू भैया से मिलके। और आज हम लोग का प्लान था कहीं जाने का, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ऐसा लग रहा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं करने जा रहे हैं पार्टी। आपको पार्टी फन और ताबड़तोड़ हर चीज मिलेगा। नीली झील जाने वाले थे लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया, लेट हो गया ना, तब पानी आता है सेकंड टाइम, तो उसके लिए डिले कर दिए हैं टाइम को। अब जा रहे हैं हम लोग, यहाँ बांध है एक तो डुमरिया बांध, वहाँ जा रहे हैं पार्टी करेंगे। जहाँ भी जाएंगे आप लोग मजे लो यार वीडियोस के। और अभी भैया मेरे बाइक लेके पहले पहले जा रहे हैं, पहली बार मैं भैया की सुपर कार में बैठ के जा रहा हूँ जो कि नेक्सॉन की डार्क एडिशन है। और ये मेरे भाई लोग हैं यहाँ के। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है यार सोनू राइडर से कब से मेरे मिलने की तमन्ना थी, मतलब बहुत पहले से सिर्फ प्लान बना रहा हूँ कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, करते 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 इतना टाइम हो गया, फाइनली मिल लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं सीधे उनके घर, और जहाँ कहीं भी लोग जाएंगे आई होप मजेदार होगा आज का दिन। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वाला दिन है, क्योंकि हमसे बड़ा जब यूट्यूबर क्रिएटर हमसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है तो हमारे लिए भाई इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली जो आपने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, इतना बढ़ाया, और आप सबकी वजह से बदौलत, आप सबके प्यार और सपोर्ट की बदौलत मैं ये सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, अपने लाइफ में जी पा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार, लव यू। चलिए ये पूरा भैया का संसार जो कि हर किसी का होना चाहिए भाई। हेलो। यूट्यूबर के घर में यूट्यूबर ही रहते हैं यार हर कोई। भैया का पर्सनल जिम। तो हे गाइस, ये मेरी फर्स्ट मीटअप है, मेरी लाइफ की फर्स्ट मीटअप जब मैं किसी यूट्यूबर से मिलने आया। और इतने बड़े यूट्यूबर से मिलने आया भाई, इतना बड़ा नहीं भाई। मेरे लिए आप बहुत बड़े हो, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और इन्हीं की प्रेरणा, मतलब इन्हीं ने मुझे कहा था कि पर डे वीडियोस डालो, जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट, मतलब अपने कंटेंट में क्लैरिटी दो और डेली की डेली वीडियोस डालो। जिस दिन इन्होंने कहा उसके अगले दिन से मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2-3 दिन का गैप किया करता था, और भैया की एडवाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा रंग लाई। पर डे कोई ना कोई वीडियो 6,000, 5,000, 7,000, 8,000 रैंक कर जा रही है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। और हर क्रिएटर का सपना होता है कि उसकी वीडियोस के में जाए। और लव यू आप सब हो मुझे देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू भैया, वेलकम। मेरी लाइफ में मैंने पहली बार GoPro देखा जो कि भैया का है, सोनू राइडर का है। ये देखो GoPro किस इस तरीके से दिखता है, छोटा सा यार, ज़्यादा कुछ नहीं। इससे मतलब अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमारी फ़ोन की बैटरी से इतनी मोटी मोटी आया करती थी, और अभी कैमरा लगभग पूरे सेटअप बन के इतना मोटा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। GoPro मतलब इसका कैमरा भी छोटा सा यार, बहुत बड़ा नहीं है, पर इसकी क्वालिटी और इसकी मतलब क्या बोली, इसका जो इमेजिनेशन है, इसकी जो फुटेज है, एकदम मतलब फाड़ू 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 यार, फाड़ू मतलब कोई जवाब नहीं उसका। और इन फ्यूचर कभी आप सबका प्यार थोड़ा टन में जब मिलने लगे तो हम भी किसी दिन ले लेंगे ऐसे वाली GoPro। और फाइनली हम जहाँ जा रहे हैं, मतलब कहीं डैम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता भैया जहाँ लेके जाएंगे, मुझे बस जाना है। और घर से हम निकल चुके हैं, और भैया सामने बैठे हैं, मैं पीछे, और हमारे दो दोस्त पीछे बैठे हैं। तो भैया कहाँ लेके जा रहे हैं आज? अभी हम लोग जा रहे हैं डुमरिया बंजरी के पास है, हम लोग का पास को ही बड़ा डैम है, उतना भी बड़ा नहीं है, नॉर्मली है गाँव के आसपास। थैंक यू भैया मुझे अपने साथ राइड कराने के लिए, घुमाने के लिए, वेलकम भाई। तो ये गैस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, भैया ने बताया कि डुमरिया बांध, और ये हमारी कार है, हमारा जो भी पिकनिक का सामान है, मतलब जो भी हम पार्टी करने वाले हैं, साबुन मिक्सचर पुड़िया उड़िया लेके। और बहुत अच्छा, भैया सामने ब्लॉग कर रहे हैं अपना, मैं इधर अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
वीडियो से बने रहो यार, हम एंजॉय करेंगे आप सब बहुत, जिसके बदौलत मैं एंजॉय कर पाता हूँ, घूम पाता हूँ, और भले धूप में घूमूं पर आपके लिए जब करता हूँ बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहना। और भाई उतरना है कि नहीं हमारे नोडी पर? ये रहा हमारा पिकनिक स्पॉट, ये रही जो बांध जिस ड्रेम की भैया बात भैया कर रहे थे, और ये देखो यार हमारा सामग्री जो हम आज लेके आज पिकनिक मतलब एंजॉय करने वाले हैं। बहुत शरारती हुआ करते थे, जहाँ ना करना रहे वहाँ हाँ करना लिख देते थे, सेम टू सेम नंबर छोड़ के गए। कोई भाई बोल रहा है कि फोन कीजिएगा, ये सब लड़कियों के लिए है कि कोई आए इस नंबर पे फोन कीजिए, हम हमेशा खाली बैठे हैं। तो मैं भी यहाँ अपना नंबर छोड़ के जाने का सोच रहा हूँ। अरे यहाँ सिर्फ आप ना उनको ही काम करने के लिए भी कॉल कर सकते हैं, अपने खेत में ट्रैक्टर में ले जाके, और सिर्फ जो नंबर दिया है मेरे को 18 साल प्लस होगा उसको काम करवाइए। 18 साल प्लस नहीं होगा कॉल करके बुलाइए, उसको स्कूल में डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनको। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, मेरा इक्विपमेंट रेडी है, सामान जो भी इसका चीर हरण करना है यहाँ सब कुछ कर लेंगे, और मेरे भाई लोग लगे हैं कुछ कुकिंग करने में, और हमारे भैया पहले ही पहुँच चुके हैं पानी के पास। सोनू भैया पहले ही पानी में घुस चुके हैं, इतना एक्साइटमेंट यार, और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं भी जा रहा हूँ छलांग मारने, इसको कहीं साइड में रख लेते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पानी के अंदर जाके शॉट लूं, बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है शॉट। थोड़ा फन करते हैं यार, इस टाइम को जी लेते हैं क्योंकि दोबारा लौट के नहीं आ गए एप्पल। तो लीजिए भैया, इसको सामने रख लूंगा यार, मुंह के विपरीत हो जाएगा। सो हे गाइस, आपका सिर हो आ चुका है पानी पानी के अंदर, और हमारे सोनू रेडर भैया पहले ही पानी में घुस चुके हैं। इतना मजा आ रहा है यार इनसे मिल के, पहले इनके साथ घूमना मेरे लिए एक क्या बोलते एडवेंचर इवेंट और त्यौहार से कम नहीं है। तो थैंक यू भैया मुझे इस जगह का एक्सपीरियंस कराने के लिए और अपने साथ घुमाने के लिए। अभी मैं यहाँ रुकने वाला हूँ एक दो दिन और, ताकि इनके साथ फुल मजे ले सके, फुल एंटरटेन मतलब हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस करके जाऊँगा, और यहाँ मतलब चैनल मेरा मोनेटाइज होने वाला जल्दी से, जो कि सोनू रेडर भैया के हाथों होगा, इनके सुबह हाथों होगा, बस और क्या चाहिए यार। थैंक यू ये दिन मुझे ये मौका नसीब कराने के लिए, थैंक यू सो मच, और थैंक यू भैया। और ये रहा यहाँ का व्यू यार, यहाँ का नज़ारा देखो, मतलब अपने आप में अलग ही क्रिएटिविटी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है इस वाली जगह पे नहा के। इसको छोड़ भी देगा तो नहीं गिरेगा, नहीं जाएगा। हाँ हम लोग का नहाना धोना हो चुका है, अभी हम लोग टूट पड़ने वाले खाने पे, वहाँ चिकन बनाया है और बहुत कुछ बनाया यार हमारे लिए वेराइटीज। और भाई आप क्या खा रहे हो? चिकन। उनका मुंह देखो यार, मजा आ रहा है। अब हमको कंट्रोल नहीं हो रहा है कि हमारी बारी कब आएगी, जल्दी से प्लेट लगाइए हमारे लिए, हमको सबर नहीं हो रहा है। भले पहली बार मिले पर बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, और जब ये सामने है यार कंट्रोल नहीं हो रहा है, पहले खा लेते हैं उसके बाद में, पहले पेट पूजा, सुबह से मैं बस दतुन करके निकला हूँ और अच्छा लगे अभी खाना खा के। अभी यहाँ से निकलते हैं और घर जाके वीडियोस क्लोज करूँ, उसके बाद कल सुबह रेडी रहेगा, मतलब आप ये ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर, अप्रिशिएट करने के तौर पे मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज ज़्यादातर वीडियोज़ में नहीं बोलता पर प्लीज़ कर दीजिएगा, अच्छा लगता है यार। लव यू, थैंक यू सो मच। मजा है यार,
तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और यही समय अपना वीडियोस क्लोज करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा लगा यार, बहुत एंजॉयबल लग रहा। और किसी बड़े यूट्यूबर के साथ मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ टाइम बिताना और उनका सब सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं होता। थैंक यू सो मच आप सब यूट्यूब फैमिली जिन्होंने मुझे ये पल सब कुछ आप ही की देन है यार। मैं जो जीना चाहता था वास्तव में जी रहा हूँ अभी। बस इसी चीज़ के लिए मैं नौकरी वगैरह से दूर भागा करता था, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए था यूट्यूब मुझे दे रहा है, आप सब मुझे दे रहा। थैंक यू सो मच। और ये है घर सोनू भैया का, कल इसका फुल रिव्यू आएगा, कल वाली वीडियोस में पूरा चीज़ मेंशन हो जाएगा।